कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर दोस्तों प्रीव्यू ज़्यादा सा पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा। सब कुछ दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, कैसे आपको इफेक्ट को लगाना है, कैसे आपको फोटो को लगाना है, सब कुछ दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको इस वीडियो को लास्ट तक आपको देख लेना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी, प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको इस स्टेटस को क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है दोस्तों एलाइट मोशन। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आकर एक बार दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी हमने पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन में। चलिए और उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों एलाइट मोशन ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट वाले पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमारा सॉन्ग बीट मार्क है, यहाँ हमारा शेक इफेक्ट है। इन दोनों का लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क वाले पे क्लिक करते हैं। सॉन्ग बीट मार्क वाले जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे करना क्या होगा दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा तभी आपको दोस्तों समझ में आएगा। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ से अपना कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं इसमें फ़ोटो रखा हुआ हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों थ्री डॉट पर क्लिक करके उसके बाद फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना, ठीक है। थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया आप जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो फ़ोटो है यहाँ पर दोस्तों फुल स्क्रीन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं हो रहा, तो इस पर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फुल स्क्रीन में हो गया। उसके बाद दोस्तों बिट मार्क के अकॉर्डिंग इस फोटो को यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, अभी यहाँ पे आपको वीडियो को लास्ट तक आपको दोस्तों फोटो को लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों मैं लगा कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूँ, नहीं तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपको चलिए एक एक करके मैं यहाँ बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों शेक इफेक्ट में चले जाना है। शेक इफेक्ट में दोस्तों जाने के बाद आपको करना क्या होगा, ये पहला वाला इफेक्ट आपको कॉपी करना है, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बाइक जाएंगे। बाइक जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क वाले में चले जाना है, इस पर फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद इफेक्ट पर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कुछ आपको इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अगले बीट मार्क पे आएंगे, यहाँ से फोटो को यहाँ पे लेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पे। तो दोस्तों यहाँ आपको करना क्या होगा कि यहाँ से फोटो को लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ मैं दूसरा फोटो लेकर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों बीट मार्क के अकॉर्डिंग फोटो को कट कर देना है, ठीक है। थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ तक आपको इस वाले फ़ोटो को आपको लगा देना, ठीक है। यहाँ सबसे पहले दोस्तों नीचे देख लेंगे यहाँ से कहाँ तक यहाँ पे हमारा पहला वाला यहाँ दूसरा वाला इफेक्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेसिकली यहाँ पे 3.7 तक आपको लगेगा ये जो दूसरा वाला इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों फोटो को ऐड कर देंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पर। तो यहाँ दोस्तों चलिए इस प्रकार से हम लोग थ्री डॉट पर क्लिक करके उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, बैक आना है, ठीक है। शेक इफेक्ट में चले जाना, शेक इफेक्ट में जाने के बाद आपको ये दूसरा वाला इफेक्ट आपको कॉपी करना है, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बैक जाएंगे, उसके बाद से यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क में चले जाएंगे तो इस वाले फोटो पे दोस्तों क्लिक करके प्लस यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों फोटो को लगा कर आपको यही वाला इफेक्ट आपको लगा देना है, ठीक है, ये जो दूसरा वाला इफेक्ट है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा फिर से नीचे देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरा, तो दोस्तों देख सकते हैं तीसरा हमारा कहाँ तक लगेगा इफेक्ट, तो तीसरा दोस्तों यहाँ तक आपको इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में आपको करना क्या होगा, यहाँ से
प्लस पे क्लिक करना होगा, उसके बाद मीडिया पे। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा वाला फ़ोटो सिलेक्ट करके उसके बाद दोस्तों बिटमार के कौन इस फोटो को कट करके थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको करना क्या होगा, फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देख लेंगे तीसरा वाला इफेक्ट कहाँ लगे, कहाँ तक लगेगा। तो यहाँ तक दोस्तों आपको लगेगा, यहाँ तक आपको फ़ोटो को लगा कर, ठीक है, यहाँ तक आपको फ़ोटो को लगा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और इस प्रकार से इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है, ठीक है, थ्री डॉट पे क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों बाइक जाएंगे सेक इफेक्ट में चले जाएंगे। तो सेक इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों ये हमारा तीसरा वाला इफेक्ट है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क वाले में चले जाएंगे, ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ तक आपको यही वाला इफेक्ट आपको लगा देना है, ठीक है, यहाँ तक हमने लगा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, फिर प्लस पे क्लिक करना होगा, उसके बाद मीडिया पे। तो यहाँ से हम लोग चलिए तो कोई दूसरा फोटो यहाँ पे ले लेते हैं, बिट मार के इस फोटो को कट कर लेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो दोस्तों आपको देख लेना है कि ये चौथा वाला लेयर आपको कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक आ रहा है चौथा वाला लेयर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको फोटो को ऐड कर लेना, ठीक है, यहाँ तक ऐड करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इसी थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों को करना क्या होगा, चौथा वाला इफेक्ट आपको कॉपी करना है। तो चौथा वाला हमारा ये वाला इफेक्ट है, ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद इफेक्ट पर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, फिर से वही सॉन्ग बीट मार्क वाले में आ जाना है, और सॉन्ग बीट मार्क वाले में आने के बाद इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट आपको कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इस वाले फोटो को यहाँ पे लगा देना, ठीक है, इस वाले इफेक्ट को, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पांचवा वाला इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको लेयर बाय लेयर यहाँ पे नंबर आपको दिख जाएगा, उसी प्रकार से दोस्तों आपको करना क्या होगा, इफेक्ट को लगाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पांचवा वाला इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ सबसे पहले मैं फोटो को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से मैंने फ़ोटो ले लिया, उसके बाद बिट मार के अकॉर्डिंग इस फोटो को हमने कट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने फ़ोटो को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा फ़ोटो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से मैं ले लिया, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ बाइक जाना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा पाँचवा वाला ये वाला इफेक्ट है, ठीक है। तो बहुत ही यार कमाल का ये इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग बाइक जाएंगे, तो बाइक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेक इफेक्ट, यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क में वाले में चले जाएंगे। सॉन्ग बीट मार्क वाले में जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, इस वाले फोटो पर आपको लगाना, ठीक है, जो बड़ा वाला बीट मार्क दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पे बहुत यार कमाल के यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, यहाँ पे पांचवा वाला इफेक्ट लगेगा, तो आपको यहाँ पे पांचवा वाला इफेक्ट आपको लगा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, छठवा वाला इफेक्ट आपको कॉपी करने लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाएंगे छठवा वाला, देख लेते हैं कौन सा हमारा इफेक्ट है। तो दोस्तों छठवा वाला हमारा ये वाला इफेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर सॉन्ग बीट मार्क वाले में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस पर क्लिक करके यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा छठवा वाला इफेक्ट आपको लग रहा है, ठीक है। अब दोस्तों फिर से आपको यहीं से आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पांचवा वाला इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे छठवा वाला इफेक्ट लगेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अंतिम वाला हमारा जो बच रहा है, तो प्लस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मीडिया पे, तो यहाँ से हम लोग दूसरे फोटो के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों को करना क्या होगा, यहाँ तक वीडियो को लास्ट तक आपको फोटो को ऐड कर लेना है, ठीक है। फोटो को यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक ऐड कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली ये हमारा जो सातवां वाला इफेक्ट है, ये वीडियो को लास्ट तक अब लगेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको यही सातवां वाला इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होगा, बाइक आना है, सेक इफेक्ट में चले जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारा वाला सातवां वाला इफेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इफेक्ट पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सॉन्ग बीट मार्क वाले में चले जाना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को करना क्या होगा, इस फोटो पे क्लिक करके थ्री डॉट यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट पे कर देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ तक वीडियो को लास्ट तक आपको फोटो को ऐड करके यहाँ पे यही वाला सातवां वाला इफेक्ट आपको लगा देना है, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद दोस्तों वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो आपको कोने में आपको एक एरो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से दोस्तों अपना वीडियो का रेजोल्यूशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको वीडियो का रेजोल्यूशन सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपका जो वीडियो है यहाँ पे दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एक सेव का ऑप्शन आएगा तो आपको सेव कर देना, तो आपके वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का स्टेटस का ट्यूटोरियल कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर आपको ट्यूटोरियल ज़रा सब पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं डेली दोस्तों इसी तरीके का वीडियो यहाँ पे एडिटिंग लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ एक और नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।